आज के वीडियो में सी से स्टार्ट होने वाले 10 ऐसे वर्ड और 10 ऐसे वर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज होता है। इसके बिना इंग्लिश और ग्रामर और ट्रांसलेशन अधूरा है। तो यहाँ पे जानेंगे, इससे पहले मैं ए से रिलेटेड 10 वर्ड बताया था, बी से रिलेटेड 10 वर्ड बताया था, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं सी के बारे में 10 वर्ड बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले मैं बी के बारे में बता दिया था, इसलिए 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राय, सी आर वाई क्राय, क्राय मीन्स क्या होगा, चिल्लाना, क्राय मीन्स क्या होगा, चिल्लाना। उसके बाद होगा सी डबल ओ के, ये क्या पढ़ेंगे इसे, कुक, कुक मीन्स भोजन पकाना। उसके बाद क्या होगा सी एच डबल ओ ए सी, चूज, चूज मीन्स क्या होगा, चुनना। इससे पहले मैं ए के बारे में 10 बताया, बी के बारे में 10 बताया, 21, उसके बाद सी के बारे में बता रहा हूँ, तो 21 से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर पे क्या होगा, यानी 3 नंबर पे सी एच डबल ओ ए सी, चूज, चूज मीन्स चुनना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सी आर डबल ई पी, क्रीप, क्रीप मीन्स क्या होता है, रेंगना, जैसे क्या होता है सांप रेंगता है ना, जमीन में घिसटता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंगना। आगे हो जाएगा सी ए डबल एल, क्या होगा, कॉल, कॉल मतलब क्या होता है, पुकारना, पुकारना यानी किसी को बुलाना। आगे हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सी ओ एम ई, कम, कम मीन्स आना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है हमेशा, कम, कम मीन्स आना। उसके बाद हो जाएगा सी एल आई एम बी, से क्या पढ़ेंगे, क्लाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ने आता है, क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना। उसके बाद हो जाएगा सी ए टी सी एच, इसे क्या पढ़ेंगे, कैच, कैच मीन्स पकड़ना, और एक होल्ड मतलब भी पकड़ना। उसके बाद होगा सी यू टी कट, कट मीन्स क्या होगा, काटना। उसके बाद सी एल ओ ए सी, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोज, क्लोज मीन्स क्या होगा, बंद करना। इस प्रकार के रेगुलर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आपको एक मैसेज जाएगा जिससे आप हमारे वीडियो को समय पे देख सकेंगे। तो इसके बाद मैं डी से रिलेटेड 10 वर्ड बताऊंगा जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा, और एक मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अगर उसे आप भी देखना चाहते हो, उसमें लगभग 100 इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे ए से लेके जेड तक, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर दोनों में यूज होगा।